आज की वीडियो में हम आपको टैक्सिमोज सीवी ड्राई सिरप के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको टैक्सिमोज सीवी ड्राई सिरप के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो टैक्सिमोज सीवी ड्राई सिरप, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 117 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और यह 11 ग्राम 30 ml की पैकिंग में आता है। समय के साथ साथ इसकी मार्केट प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको एलकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में, इसमें क्या क्या मिलाया गया है। तो इसमें सेफेक्जिम और पोटेशियम क्लोरिनेट होता है। इसके प्रत्येक 5 ml में सेफेक्जिम जो कि 50 mg होता है और पोटेशियम क्लोरिनेट जो कि 31.25 mg में होता है। तो आइए जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में, टैक्सिमोज सीवी ड्राई सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो यह एक एंटीबायोटिक है जो कि सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवा है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल अगर बच्चों को गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, खांसी आ रही हो, गले में खराश हो, टॉन्सिल की समस्या हो, तो उसे ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा UTI यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में अगर पेशाब से संबंधित समस्या है, पेशाब में जलन हो रहा हो या बार बार पेशाब हो रहा हो या पेशाब नली में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। वाय नली या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया या ब्रोंकाइटिस की समस्या हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, फुंसी निकल गई हो या दाने निकल गए हों, या त्वचा में लालीपन या सूजन आ गया हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फोड़ा फुंसी को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हड्डियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, कान के मध्य भाग में दर्द या सूजन हो, फुंसी हो गई हो, तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नाक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइफाइड फीवर या नॉर्मल फीवर को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब टैक्सिमोज सीवी ड्राई सिरप के मुख्य यूजेज हैं। आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, इसको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका जो डोज होता है, एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है। इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें और डोज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लें और डॉक्टर आपको जितनी मात्रा में कहें उतनी ही मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। इसके नॉर्मल डोज की बात किया जाए तो सेफेक्जिम का जो नॉर्मल डोज होता है 8 mg पर kg पर डे इसको दिया जाता है। अगर कोई बच्चा 10 किलो का है तो उसको 80 mg एक दिन में पूरा दिया जाएगा, 40 mg सुबह और 40 mg शाम। तो इस तरह से डोज कैलकुलेट करके इसको दिया जाता है। और आइए जान लेते हैं टैक्सिमोज सीवी ड्राई सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट जी मचलाना, उल्टी होना, इसके अलावा पेट में गैस बनना, पेट दर्द होना, इसके अलावा इसमें मौजूद कंटेंट से अगर किसी को एलर्जी है तो एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी टैक्सिमोज सीवी ड्राई सिरप के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।